बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबदो या कनस्ताइन। सबसे पहले मैं पाकिस्तान के स्काउट्स को आज उनके फाउंडर्स डे पे मुबारक देता हूं, और उसके बाद ये जो हमने दिन चुना है, ये पाकिस्तान के नौजवानों के ख़ास तौर पे मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चुना है। हम जब अभी अमीन असलम ने बात की शजरकारी की, मैं अपने स्काउट्स को ख़ास तौर पे आज और अपने नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से हमारा मुल्क वो है जो दुनिया में उन 10 मुल्कों में है जिसको सबसे ज़्यादा मौसम की तब्दीली क्लाइमेट चेंज से ख़तरा है। और इसलिए ये जब हम मुल्क में दरख्त लगाने की बात करते हैं तो हम असल में अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। मैं आज सब नौजवानों को कहता हूँ कि आपने सब ने जिम्मेदारी लेनी है, सब ने जिम्मेदारी लेनी है दरख्त लगाने की। और मैं आज उन माँ बाप को कहना चाहता हूँ जो अपने बच्चों की फिक्र करते हैं कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप सबको भी कम अज़ कम एक ख़ानदान को 5 दरख्त लगाने, जैसे भी वो 5 दरख्त लगाना और फिर उनकी परवरिश करना, ये हम अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करेंगे। और फिर ये आपको अंदाज़ा है या नहीं, अल्लाह ने पाकिस्तान ने कितना बड़ा हमें तोहफा दिया है। इस मुल्क में अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं। सबसे बड़ी बात नौजवानों, 12 मौसम दिए हैं पाकिस्तान को। 12 मौसम का मतलब कि यहाँ हर किस्म का दरख्त लग सकता है, यहाँ हर किस्म की खुराक बन सकती है। हम हर किस्म के पौधे लगा सकते हैं, हर किस्म का फल लग सकता है। ये अल्लाह की ख़ास नेमत है और उसका हुक्म भी है कि उसकी नेमतों की कदर करो। और आप कदर तब करते हैं जब आप उसकी ज़मीन की, जो अल्लाह ने हमें ये ज़मीन दी है, इसके ऊपर इसको हम सही माने में इस्तेमाल करें। बदकिस्मती से जो क्लाइमेट चेंज है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इंसानों ने अल्लाह की दी हुई नेमतों की परवाह नहीं की, उनको गलत इस्तेमाल किया, इसलिए दुनिया में ये अजाब आया हुआ है। मौसम की तब्दीली से आगे अगर किसी चीज़ को भी इंसानियत को ख़तरा है आगे, वो मौसम की तब्दीली का है। और हमारा जो टारगेट है ये स्प्रिंग प्लांटेशन का, ये है 54 करोड़ दरख्त। और इंशाल्लाह उसका हमने आज जो आगाज़ किया है, हमें जिस तरह हमने सारे पहले टारगेट्स बीट किए हैं, हमें पूरा एतमाद है अपने लोगों पे कि इंशाल्लाह हम बाकी भी अपने टारगेट्स बीट करेंगे। हमारा असल में टारगेट है 10 अरब दरख्त, और वो जब लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारा मुल्क हमारा तब्दील हो जाएगा। बदकिस्मती से हमने जो अंग्रेज़ ने भी लगाए हुए थे जंगलात, उनको भी तबाह कर दिया पिछले 60 सालों में। तो ये जो अब हम अब इस मुल्क में शजरकारी कर रहे हैं, ये असल में अपने मुल्क के, अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की हिफाजत कर रहे हैं। मैं आखिर में अमीन असलम, आपने जिस तरह, जिस जुनून से आपने पाकिस्तान की शजरकारी, हमारे जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान में जो आपने मेहनत की है, मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। और इससे ये हमारे लिए बड़ी, इस मुल्क के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारा ये जो, हमारी जो कोशिशें हैं, ये दुनिया ने एक्नॉलेज की हैं। जिस तरह भी अमीन असलम ने बताया कि ये इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड हैं, पाकिस्तान की जो 10 बिलियन ट्री सुनामी है।
ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने एक्नॉलेज किया, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया। ये हमारे वो प्रोजेक्ट है जो दुनिया आज समझती है कि पाकिस्तान लीडर्स हैं क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो जंग दुनिया लड़ रही है। तो मैं फिर से अपने सारे कौम को ये आज सारी कौम को ये इस चीज़ का एहसास दिलवाना चाहता हूँ कि हमारा मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। हमने अभी तक जो अपने मुल्क की परवाह नहीं की, इससे हमें नुकसान हुआ है। और अगर हमने आने वाली नस्लों को बचाना है तो आज से सारा मुल्क इस मुहिम में, शजरकारी में शिरकत करें। शुक्रिया।